हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक एजुकेशनल वीडियो आप प्रोफेशनल तरीके से कैसे बना सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे आप आंसर फिट करेंगे और कैसे उसमें इमोजी लगाएंगे और उसमें कैसे आप टाइमर फिट करेंगे, आपका टाइमिंग के हिसाब से आंसर भी आ जाएगा। और इस तरह के वीडियो कोई भी बना सकता है, चाहे वो घर की हाउसवाइफ क्यों ना हो, आप बिना चेहरा दिखाए भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं यूट्यूब में वीडियो डाल के। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाने का है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्लस आइकन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से साइज को सेलेक्ट कर लेने का है। फिर आपको यहाँ पर मीडिया पे जाने का है और इसका लिंक में मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको उसका बैकग्राउंड कलर पहले चॉइस करना है। बैकग्राउंड कलर आ जाने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए और इसे जितना बड़ा कर सकते हैं बड़ा कर दीजिए। जितना भी बड़ा आपका वीडियो रहेगा उतना आप बड़ा कर सकते हैं इसे। तो बड़ा होने के बाद आप आगे आइए, फिर इसे ओके कीजिए। उसके बाद आप लेयर में जाइए, फिर टेक्स्ट का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन लिखना होगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसे ओके कर दीजिए, फिर इसे यहाँ पे आके सेट कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यहाँ पर आपको ये फ्रंट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे थोड़ा आकर्षक लगे। इसे आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, सेट कर दीजिए। ये होने के बाद आप ओके कीजिए। उसके बाद नीचे में आपको आंसर देना है। फिर वापस लेयर में जाइए, वापस टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ। आंसर लिखने के बाद आप इसे ओके कीजिए। उसके बाद इसे भी सेट कर दीजिए ताकि थोड़ा देखने में अच्छा दिखे। देखिए, आप थोड़ा ये देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ए बी सी डी, उसको आप बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, बी को थोड़ा पीछे कीजिए, डी को भी पीछे करता है, ओके कीजिए। उसके बाद देखिए अभी ये अच्छा हो गया है। फिर इसमें आपको आंसर का कलर अलग दिखना चाहिए, इसके लिए आप कलर में जाइए, येलो कलर चॉइस किए, ओके कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है, पहले यहाँ पर ओके कीजिए। आपको नीचे में यहाँ पे वॉइस दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना पहले वॉइस डालना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बोलना पड़ेगा। मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। ये स्टार्ट पे आप जैसे भी क्लिक करेंगे आपका वॉइस रिकॉर्ड होने लग जाएगा। मैं कर देता हूँ। बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपका वॉइस रिकॉर्ड होने के बाद आपने जो क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ है उसका आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए। फिर वापस से क्वेश्चन में जाइए, उसको भी बड़ा कर दीजिए। उसके बाद बैक जाइए। अब वापस आप यहाँ पे पहले प्ले करके देखेंगे। बाल दिवस कब मनाया जाता है? जैसे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ यहाँ पर आपको टाइमर लगाना है। वो टाइमर आप लेयर में जाके मीडिया में जाइए, फिर वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। उस टाइमर का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाइमर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्रोमा की में जाइए, इसको इनेबल कर दीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पे साइड में सेट कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए, फिर वापस से बजाइए। बस कब मनाया जाता है? अभी जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ आपको यहाँ पे आंसर बताना होगा। उसके लिए आप लेयर में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, फिर यहाँ पर आप इमोजी में जाइए।
आपको ये वाला इमोजी सेलेक्ट करना है, ओके कीजिए। फिर इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे लाइए, थोड़ा सेट कर दीजिए। अब आप वापस से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन और आंसर सही टाइम पे हुआ है कि नहीं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अभी जैसा आपको आंसर मिल गया, लेकिन इसमें कुछ म्यूजिक नहीं मिला, इसके लिए मैं एक म्यूजिक भी डाल देता हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं डालता हूँ पहले। ओके कीजिए। उसके बाद आप वापस से बजा के देखिए। बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अभी देखने में अच्छा लग रहा है। अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो ये इमोजी है उसको आपको ट्रिम कर देने का है। सेलेक्ट कीजिए, कट पर क्लिक कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कीजिए, फिर ओके कीजिए। आपका यहाँ से वो ट्रिम हो गया है, मतलब कि आपको ये दिखेगा, फिर चल जाएगा। फिर वापस आप यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है उसमें वापस से आप वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, क्वेश्चन और आंसर लिख सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि आगे में क्वेश्चन और आंसर अभी भी दिख रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आगे वाले को भी आपको सेलेक्ट कर करके ट्रिम कर देना है। आंसर को पहले ट्रिम कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम कीजिए, प्लेहेड कीजिए, ओके। फिर ये क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए, उसको भी सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रिम कीजिए, राइट सेट कीजिए, ओके कीजिए। अभी जो बाकी का आगे का है आपका, यहाँ से आप वापस से दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं और दूसरा आंसर भी दे सकते हैं, वो भी सेम प्रोसेस है। सारा होने के बाद आप यहाँ पे शेयर में जाइएगा। शेयर में जाने के बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करने को मिलेगा, आप जाकर वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था एजुकेशनल वीडियो बनाने का तरीका। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे।